नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन फार्मर चैनल में। किसान भाइयों, आज का सीन्स कुछ ऐसा है कि अप्रैल का महीना चल रहा है अभी और बहुत कड़कती भड़कती धूप है बहुत तेज़ी से, और कैनल में पानी भी आ गया। अभी पानी हमारे कुआं में ख़त्म हो गया था, लेकिन एक दिक्कत क्या हो रही है किसान भाइयों की, अभी पानी तो बहुत आ गया है लेकिन हमारा ट्रांसफार्मर जो है दब गया है, उसकी वजह से लाइट की दिक्कत हो रही है। और लाइट भी रहती है तो लाइट रहती है 10-12 घंटे। अब तो करें क्या, खेत में फसल भी तो है, काफ़ी सारे गन्ने की फसल है, तो आप सिंचाई कैसे करें? इंजन तो है लेकिन इंजन यहाँ ला नहीं सकते। तो एक दिमाग में एक जुगाड़ आया कि साइफन क्यों ना कर दे। साइफन मतलब क्या होता है कि ग्रेविटी का यूज़ करके पानी को दूसरी जगह पे सिंचाई कर सकते हैं ऊंचाई वाले जगह से। एक साइफन मतलब होता क्या है कि पानी, जैसे कि अभी ये हमारा कैनाल है, कैनाल में हमारा पानी है, ये कैनाल थोड़ा सा ऊंचाई पे है, उसके बाद जो नीचे जो जगह रहती है वो थोड़ा गहराई रहनी चाहिए कैनाल से ज़्यादा अंदर। तो उसमें क्या होता है, आप कोई भी पाइप डाल के आप साइफन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये पाइप देख सकते हैं, 4 इंची की पाइप है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पर 3 इंची की पाइप ले सकते हैं, 2 इंची की ले सकते हैं, 1 इंची की ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये है कि आप जितना बड़ा पाइप लेंगे उतना आपको ज़्यादा उसमें पानी भरना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे अभी नीचे यहाँ पे 60 फीट की पाइप है, ये हम लोगों ने हमारे खेत के बगल में जस्ट अभी फिट की गई है। अभी यहाँ पे मिट्टी के जरिए हम लोगों ने फरुआ से गाड़ दी है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये पाइप फिट करनी पड़ती है। और आगे हो सके तो आगे वहाँ पे एक वॉल डाल दीजिए, मतलब जो कॉक होता है बंद चालू के लिए, जब पानी पाइप में भरेंगे तो उसको बंद करना पड़ता है। अगर आपके पास वॉल ना हो तो कपड़ा लीजिए, कपड़ा आगे से दाब दीजिए, पूरा बंद कर दीजिए। और दोस्तों उसके बाद अंदर इसके पानी भरना पड़ता है। तो एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ दोस्तों कैनाल है, कैनाल का पानी कोई भी यहाँ पे सिंचाई कर सकता है। लेकिन एक चीज़ दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे मोटर नहीं लगा सकते। अगर आप मोटर लगाते हैं तो आपको प्रशासन जो विभाग के लोग हैं उनको जाके एक लेटर देना पड़ता है कि हम मोटर लगा रहे हैं। लेकिन साइफन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें से जब चाहे साइफन करके आप इसमें से पानी निकाल सकते हैं, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी दोस्तों हम सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि साइफन कैसे करते हैं। अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से पाइप पूरा गाड़ दिया है। अब पाइप गाड़ देने के बाद अब इसमें सामग्री क्या लगती है, हम लोगों ने अभी 4 इंच की पाइप ली है। अगर छोटी हो तो इस टाइप का गैलन लीजिए, अभी ये तसला तो लिया है मिट्टी डालने के लिए। उसके बाद एक बल्टी लीजिए या तो केटली लीजिए पानी भरने के लिए। अब देखते हैं हम लोग इसमें पानी भर के साइफन एक्चुअली डायरेक्ट कैसे होता है रियल में। अभी यहाँ पर करना क्या है कि एक दो लोग यहाँ, इसमें लोगों की ज़रूरत दोस्तों ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पे एक दो लोग पाइप पकड़ने के लिए लगते हैं, उसके बाद पानी भरने के लिए, और दो लोग कैनाल में नीचे चाहिए। अब दोस्तों आप साइफन कहीं भी कर सकते हैं, आपके कुएं के पास में छोटी सी नाली भी बहती हो, कुएं में पानी नहीं उतर रहा तो वहाँ भी कर सकते हैं। अब करना क्या है, यहाँ पे इस तरीके से इसमें पानी भरना है पूरा। अब 4 इंची की पाइप है, पानी इसमें बहुत भरना पड़ेगा, इसलिए 2-3 लोगों की ज़रूरत रहती है इसमें। और नीचे एक लोगों को आगे कपड़ा बांध के रहना पड़ता है वहाँ पे, आगे से पानी ना निकले। और दोस्तों आज इसका हम पूरा ग्रेविटी का यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों इस तरीके हम लोगों ने क्या है, 4 इंची की पाइप पूरा अभी 10-15 मिनट में पूरा बल्टी गैलन से पूरा भर दी है। अब भरने के बाद क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा लोगों की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, क्योंकि पाइप पकड़ने के लिए 4 इंची पाइप भारी रहती है, एक दो आदमी का काम नहीं है। अब नीचे आदमी है और ये ऊपर आदमी है, इनका काम क्या है, इस यहाँ पर ऐसे पकड़ना है, वॉल नहीं है तो यहाँ पर ऐसे पकड़ना पड़ता है पूरे हाथ से, और ये पाइप धीरे धीरे अंदर ले जाना पड़ता है। और जब ये अंदर ले जाएगा और एक साथ काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, तो दोनों साइड से एक साथ में जब खोलेंगे तो ग्रेविटी की वजह से नीचे एक तरफ पानी खींचेगा और पानी खींच लेगा। अभी देखते हैं हम लोग कैसे होता है, चलो नीचे धीरे धीरे हाथ पकड़ो, चलो धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे, हाँ एकदम धीरे धीरे उतरना है पानी में, हाँ हाँ धीरे धीरे, हाँ हाँ पकड़ो, पकड़े रहो, हाँ पकड़े रहो, धीरे 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 धीरे, हाँ अनिल भाई अभी रुको, हाँ एक अनिल भाई। तो दोस्तों क्या करना है, अभी ये संजू भाई हमारे पाइप लेके नीचे चले गए, यहाँ पे काउंटिंग करना है बस, 1, 2, 3 जैसे कहेंगे संजू वहाँ से खोल देगा और पाइप सीधा अंदर, 1, 2, 3 खोल दो अनिल भाई। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हमारा साइपन पूरा सक्सेसफुल हो गया, अभी पानी तेजी से आ रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी एक ही बार में हम लोगों ने सक्सेसफुल कर दिया है।
लेकिन इस साइफन में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है दोस्तों, एक बार में कोई नहीं कर पाता, इसलिए क्योंकि पाइप में जो एयर रहता है वो कायदे से नहीं निकल पाता है। हम लोगों ने क्या कहा, काफ़ी दाय पानी भर के इसका पूरा एयर निकाल दिया है। पूरा एयर निकलने की वजह से पानी बहुत ही तेज़ी से और प्रेशर से आ रहा है, और ये ऊंचाई जो है कैनल से ज़्यादा नीचे है, इसलिए पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो दोस्तों आज हमने इसी तरीके से 4 इंची पाइप जो है क्या किया, ऊपर लिया, पानी भरा, नीचे से एक कपड़ा बांध दिया ऊपर आगे, और नीचे ये पाइप अंदर ले गए, उधर से छोड़ दिया, एक तरह से पहले खोल दिया फिर इधर से खोल दिया, दोनों साइड से एक साथ में खोलेंगे पानी तुरंत नीचे चले गया। इसी तरीके से आपको 3 इंची 2 इंची 1 इंची में हर प्रोसेस में यही प्रोसेस रहता है और अलग कुछ नहीं रहता दोस्तों। इसमें आपको बस यही, इसमें मतलब डीजल पेट्रोल इंजन की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, ये नेचुरली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ऊंचाई वाली जगह पे ध्यान देना पड़ता है यही चीज़ का। और सबसे ज़्यादा जरूरी ध्यान, जब आप साइफन कर देंगे उसके बाद जो पाइप है, पाइप आपको थोड़ा सा बहते पानी की तरफ मूव करना पड़ता है, थोड़ा सा नीचे पत्थर बांध देना पड़ता है ताकि जब पानी जब हिलता है तो पाइप ऊपर ना आए, तो बस यही थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है और कोई चीज़ का ध्यान नहीं देना पड़ता। आसानी से आप इस तरीके से साइफन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे ज़रूर बताइए। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और एक मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए फसल के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है।